नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुंडली में भावत भावम। आप में से कई लोग जानते होंगे किसी भाव की जो प्रतिबिंब है उसकी जो मिरर इमेज है वो हम भाव में देखते हैं, उसको भावत भावम बोलते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि कुछ भावों के लिए भावत भावम नहीं होता है। मिसाल के तौर पर यदि लग्न बात करते हैं, हालांकि कई जो आरूढ़ लग्न विचार करते हैं वो एक वर्चुअल इमेज की बात आती है, लेकिन जो भावत भावम का कंसेप्ट है वहां पर लग्न का कोई भावत भावम नहीं है। ठीक हो गया? माने लग्न से आगे हमें गिनना पड़ेगा फिर 12 नंबर, तो वो कोई ऐसा भाव नहीं निकल कर आता है। तो वो स्वयं ही कह सकते हैं अपना भावत भवम में स्वयं ही है वो, एक से एक। और इसमें हम ये भी बात ध्यान रखते हैं कि दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, मैं भावों की बात कर रहा हूं अभी, राशि की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, दसवां भाव और बारहवां भाव किसी की भी इमेज को प्रोजेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये बात समझ में आ रही है? वो एक, मतलब हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ज्यादा वास्तविकता के नजदीक इन भावों को माना जा रहा है, क्योंकि ये किसी और के वर्चुअल इमेज के बारे नहीं बता रहे हैं। ठीक हो रहा है भाई? हम बोलते हैं ना वास्तविकता में वास्तविकता, और बोलते हैं वास्तविकता में एक आभासीय बल भी दिखाई देता। तो जो कुंडली के सम भाव हैं, मैं अभी विषम राशियों की या सम राशियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्लियर कर लीजिए, केवल सम भावों की बात कर रहा हूं। दूसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, आठवां भाव, दसवां भाव और बारहवां भाव, ये रियल में ज्यादा रियल माना जा सकता है, वास्तविक में ज्यादा वास्तविक। ठीक हो गया? यही एक बात है जो भावत भावम जब कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो एक अंतर कर लेता है कि सम राशियों में वास्तविकता ज्यादा दिखाई देती है भावत भावम में। विषम राशियां अपने आप में वास्तविक तो हैं, यानी अगेन इस बात को क्लियर कीजिए, अगर मैं कहीं गलती से विषम राशि बोल रहा हूं तो इसको आप ठीक कर लीजिए, विषम राशि नहीं विषम भाव। जैसे प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव, ये वास्तविक और साथ साथ आभासीय माने प्रतिबिंब भी किसी का लिए, इसलिए इनको थोड़ा सा समझने में हमें अच्छी मशक्कत करनी पड़ती है। ये किसी और के भी वर्चुअल इमेज को लिए हुए हैं, दोनों ओवरलैप होने का डर होता है, लेकिन 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये अपने आप में वही हैं सामान्यता जो कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये एक बात हमें भावत भवम में भी हम पढ़ते हैं, और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं भाई कुटुंब जो है वो ज्यादा वास्तविकता के नजदीक है, भवन जो है वो ज्यादा वास्तविकता के नजदीक है, लेकिन जो दूसरे की इमेज, जैसे हमारा पराक्रम भाव है, ये रियल के साथ साथ एक वर्चुअल इमेज मानी वास्तविकता के साथ एक आभासीय रूप भी लेकर चलता है, इसीलिए इनको डिकोड करना इतना सरल नहीं है जितना सामान्यतः प्रतीत होता है। ठीक हो गया? और भावत भावम में क्या चीज निकाली जाती है, तो ये कुछ सूत्र हैं, हालांकि बहुत चीजें होती है लेकिन हमने कुछ लाइनें यहां लिखी हुई हैं, बहुत चीजें हैं जो मतलब पूरा स्लाइड भी खत्म हो जाता तो नहीं आती, लेकिन मुख्य मुख्य बिंदु हमने यहां लिख दिए। पहला बिंदु, भावत भावम आभासी प्रतिबिंब के बारे जानकारी देता है। कई लोगों को अच्छा लगता है कि मेरा वास्तविकता समाज में ज्यादा आए। जो लोग आरूढ़ लग्न पहले ही समझते हैं, आरूढ़ लग्न के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि एक वर्चुअल में जो लग्न से निकाला जाता है हमारा एक आरूढ़ लग्न होता है। तो कुछ कुछ, मतलब मैं एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें सरल हो जाएगी समझना यदि आपने आरूढ़ लग्न समझा हुआ है। भावत भावम में भी एक प्रतिबिंब जैसा दिखता है। ठीक हो गया? हालांकि वो समाज में प्रोजेक्ट
आरूढ़ लग्न को प्रोजेक्शन ज्यादा मिलता है, वो सेलिब्रिटीज की दृष्टि से, फैन फॉलोइंग की दृष्टि से ज्यादा मान्यता रखता है। लेकिन फिर भी हम हर भाव को जब वरीयता देने लग जाते हैं, हर भाव को जब इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, तो फिर वो भावद्भावम में देखा जाता है। और जो लग्न की जिसमें मैंने बताया लग्न की प्रीइमेज के बारे में भावद्भावम में कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो फिर हम आरूढ़ में हम जानते हैं, एक वर्चुअल इमेज हमें आरूढ़ दे देता है, भाई लग्नेश कितने भाव आगे बैठा, उसे उतने भाव आगे गिनने पर आरूढ़ लग्न समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका लग्नेश मंगल कहां बैठा है, अपने से 11 होकर बैठा है, तो जहां बैठा है वहां से फर्दर जब 11 गिनेंगे, ठीक हो गया, तो ये आरूढ़ लग्न दे देगा, ठीक है। पर भावद भावम हर भाव से, जैसे दूसरे भाव से आगे दूसरा, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो तीसरा भाव लेकर चलता है। तो तीसरा भाव केवल पराक्रम, इनिशिएटिव, पेपरवर्क, कम्युनिकेशन, भाई बहन, ईसोफेगस ही नहीं है। तीसरा भाव एक वर्चुअल इमेज रखता है हमारे धन कुटुंब भाव की, और वो अगर माने रियलिटी भी अच्छी है, जो दिख माने ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रतिबिंब में, और एग्जैक्टली है भी वैसा ही, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन केवल प्रतिबिंब मात्र है कुछ नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मतलब भाव का बलि होना जरूरी है। भावत भावम में यह बात आप अच्छे से समझिए, जैसे मान लीजिए दूसरा भाव है, इस भाव का स्वामी बृहस्पति, जो ओवरऑल फेल और पास का निर्णय करेगा। अब इसमें कई व्यूअर्स कह रहे हैं सर सिटिंग एलिमेंट भी देखना है, सिटिंग एलिमेंट फेल और पास का निर्णय नहीं करते हैं, एक्सेप्शनल वही है कि जब कोई ग्रह परम उच्च डिग्री में बैठा है तो वह अकेला भी पास कराने का दमखम रखता है। लेकिन सामान्यतः जो सिटिंग एलिमेंट है ये डिक्लेयर करने के मूड में नहीं होते, ये तो केवल एक इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, त्वरित प्रभाव दे देंगे, भाई अपने कुटुंब को लेकर थोड़ा सा वैराग्य, थोड़ा डिटैचमेंट रहेगा। लेकिन ये तिजोरी जो है अपने धन के बारे में, अपने कुटुंब, अपनी सेविंग्स के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताएगा, ठीक हो गया। लेकिन क्या धन होगा कि नहीं होगा भी देख रहे हैं, धनेश का है हमारा, धनेश भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा हुआ है कर्क राशि का, तो बहुत बढ़िया हो गया, ये रियलिटी। अब इसके बात करते हैं भावत भवन में इसका, इसकी जो एक प्रोजेक्टेड इमेज है तीसरे भाव से। तो मान लीजिए तीसरे भाव में कुछ ऐसे दुष्कर कॉम्बिनेशन बन रहा है, हम उस कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं मान रहे, माने मंगल राहु का द्वंद चल रहा है, एकदम क्लोज डिग्रियों में है, तो ऐसी शीशे में देखने पर ऐसा प्रतीत होगा समाज को, माने एक इमेज ऐसी जा सकती कि इसका ठीक चल रहा है धन को लेकर, लेकिन वास्तविकता जब पता लगेगी कि नहीं, बहुत बढ़िया है वो। चाहे आपको थोड़ा डिटैचमेंट फील हुआ हो सिटिंग एलिमेंट के कारण, चाहे आपको उसका जो मिरर इमेज है, माने दूसरे से दूसरा बोलेंगे ना, दूसरे से दूसरा क्या है, दूसरे से आगे गिनेंगे तो दूसरा भाव ये से आगे 1-2, तो चाहे तीसरे में भाव में आपको कुछ ऐसी इमेज लगी हो, लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। अब इसके उलट भी हो सकता है कि तीसरे भाव में मान लीजिए उच्च का मंगल बैठा हुआ है, लेकिन इसका अपना जो लॉर्ड और सिटिंग एलिमेंट ने इस भाव को कुछ दिया नहीं है, तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भाई कुटुंब सेविंग बड़ी है, लेकिन जब वो आता है सामने तो बलि नहीं, कमजोर होता है। जैसे मान लीजिए इसका स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में डेबिलिटेटेड होकर बैठ गया, ठीक हो गया। अब ये केस क्या कहता है कि भाई तीसरा भाव भी कमजोर और उसका जो जो स्वामी है वो भी कमजोर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे समझ रहे हैं कि तीसरा भाव जो प्री इमेज की बात करता है वो धनेश वहां पर सैड होकर बैठा हुआ है, उदास होकर बैठा हुआ है, और धन भाव को कोई बल देने वाला नहीं है। तो फिर हम क्या बोल रहे हैं, इमेजिनरी और जो माने जो वर्चुअल इमेज और जो उसका रियल इमेज, वो दोनों ही अभी सकते में आगे, दोनों ही कमजोर हो गए अभी, ठीक हो गया। वर्चुअल इमेज में वहां डिबिलिटेटेड हो गया बृहस्पति,
और वो धनेश है हमारे, दूसरे भाव का स्वामी है वो, तो रियलिटी और वर्चुअल इमेज दोनों कमजोर। समझ में आ रहा है? वर्चुअल इमेज कभी स्ट्रांग भी हो सकती है, माने जो इमेज हमारी बन रही है वो स्ट्रांग भी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता नहीं हो सकती है। या ये केस भी हो सकता है, वास्तविकता है, इमेज कुछ नहीं है, ये ऐसे हो सकता है, ना इमेज है ना वास्तविकता है। इसके लिए हम भावद भावम कंसेप्ट को टटोलते हैं। हालांकि देश काल पात्र अनुसार अब इस सूत्र को ज्यादा तवज्जो देने लगे, आप समझ सकते हैं क्यों। आज के समय पर पहले शिरोधार्य करके ही बोलना चाहिए कि भाई ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की आज्ञा से ये समय आते हैं, ठीक हो गया। हम किसी भी समय को बुरा अच्छा ऐसे अपने मन से डिक्लेयर नहीं कर सकते, भाई ईश्वर की इच्छा है तो कलिकाल का आगमन हो रहा है और कलयुग के अलग अलग स्वरूप अपने को दिखेंगे। तो अभी दिखावा ज्यादा महत्व का है, माने कहता है अभी वो जो दिखता है वो बिकता है, ऐसे इस प्रकार के जो वाक्य हैं अभी ज्यादा पॉपुलर होने लगे हैं। मार्केट में जिस वस्तु का एड बहुत आता है कहता है वो जल्दी बिकना चाहिए, माने हालांकि ये 500 साल पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था में तो कोई रूटीन की वस्तुओं का कभी एड ही शायद नहीं आया, हमारे किचन में या हमारे जो इस प्रकार के कोई ऐसा मतलब एड दिखाने वाली परंपरा ऐसे नहीं, सब कुछ अपने घर में ही बनाने वाले, हमारी परदादी परनानियों को सब कुछ किचन के या हमारे जो वॉशरूम के जितने भी रूटीन के जो प्रोडक्ट है सब घर पे ही क्रिएट करने वाले। तो एड जैसा अभी ज्यादा हो गया, वो जितना ज्यादा वो उसका इमेज दिखा रहे हैं उतना ही उनको लगता है कि सच में शायद यही वास्तविकता है, और उसी में व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और उसमें वो कई दफा अपने आप को ठगा भी महसूस कर सकता है। तो अभी ये अपना अपना विषय, हम इसी कंफ्लिक्ट में हम नहीं जाना चाहेंगे कि भाई ये समय अच्छा था या वो समय अच्छा था। मैंने वही बोलो ना, ये हम कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले। जब ईश्वर ने कहा कलिकाल आएगा तो आएगा, ठीक हो गया। तो अभी आपको ये लेकिन समझ में आ रहा होगा कि अभी लेकिन मान्यता ज्यादा दिखावे की बड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारी इमेज को भी हम तवज्जो देते हैं और देशकाल पात्र अनुसार देना भी चाहिए। जैसे मैंने बोला जो दिखता है वही बिकता है, वो आपका बहुत बढ़िया कोई प्रोडक्ट आपने बनाया है वो जानकारी में नहीं है तो कैसे बिकेगा। अभी आपने एड बहुत, इसको कुछ ऐसा समझे भावद भावम में, अभी आपने एड तो जबरदस्त किया लेकिन उस प्रोडक्ट में कुछ है नहीं दमखम, तो मतलब भाव में कोई बल नहीं है, लेकिन आपने उसका जो भावद भावम है वो बड़ा जबरदस्त कर दिया। लेकिन अगर भावद भावम भी अच्छा हो और भाव भी बहुत अच्छा हो, फिर देखिए आप कितनी बढ़िया आप उसकी इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो वास्तव में भी उतना बढ़िया है, तो आनंद आ जाएगा। लेकिन कई मतलब अपनी अपनी मानसिकता है, इसको हम कोई बुरा अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन कई कहते हैं कि केवल अरे दिखे तो सही, वास्तविकता तो जब बनेगी सब बनेगी, तब हम इस पर भी विचार करते हैं, भावद भावम पर भी विचार करते हैं। और क्या चीज है, कोई भी संभाव, ये हमने पहले बता दिया, किसी भाव का आभासी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। तो अब संभाव में ज्यादा वास्तविकता समाहित है, इसलिए डिकोड करना कंपैरेटिवली सरल हो सकता है तुलनात्मक दृष्टि से, ठीक हो गया। यदि आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब से संबंध बनाए तो यह अच्छा माना जाएगा, ठीक हो गया। यदि आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब माने वास्तविक भाव से संबंध बनाए तो अच्छा माना जाएगा। इस फल में कारक ग्रहों को भी शामिल करें, इसमें हम ऐसा करके देख लेते हैं क्या किस प्रकार की बात आई है अभी, कि जैसे चौथा भाव हमारे भवन सुख, वाहन सुख, हमारे घर के लग्जरी आइटम, ठीक हो गया, ये सब चीजों की बात करता है। चौथे भाव के लिए हम कारक भी मानते हैं कि भाई जैसे शुक्र महाराज है वो वाहन के लिए, लग्जरी आइटम्स के लिए, ये सब देखा जाता है। अब देखिए इसका भावद भवन चौथा भाव, लग्न से चौथा, तो आगे चार गिनते, एक दो तीन चार, ठीक हो गया। इसका स्वामी जो है चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ होकर बैठ गया, ठीक हो गया। तो इनकी जो मिरर इमेज है वो समाज में बढ़िया प्रोजेक्ट हो गई, सुख को लेकर, वाहन को लेकर, ठीक हो गया, इनकी रियल एस्टेट संपत्ति को लेकर भी इनकी प्रोजेक्ट बढ़िया इमेज हो गई। अब प्रोजेक्ट हुई है लेकिन क्या वास्तविकता है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं क्या इसका संबंध वापस इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप जानते हैं शनि महाराज
दशम दृष्टि भी रखते हैं। तो यहां से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो शनि की अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में दृष्टि पड़ रही है। और आप जानते हैं कुंभ राशि मतलब बड़े माहिर होते हैं कुंभ राशि वाले लाभ निकालने में, किसी भी वस्तु किसी व्यक्ति से लाभ लेने की जो प्रवृत्ति कुंभ राशि वालों के पास है वो शायद किसी की नहीं। इसीलिए जोडियक भौत चक्र का वो लाभ स्थान है। ठीक हो गया, एक्वेरियस कुंभ। और फिर अगर आप ध्यान से देखें तो शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है, माने रियल इमेज या जो भाव है भावत भावम के साथ जुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो मेरे वाहन हैं, ठीक हो गया, और वो दिखता भी है। ठीक हो गया, तो कई दफा क्या होता है हम वाहन संपन्न हैं लेकिन वो चीज का जो हमारी जो इमेज है, हालांकि वो चीज लग्न से चतुर्थ भाव में है तो वो होगा ही होगा, लेकिन बोलते हैं ना कि इसके फर्स्ट इंप्रेशन में वो बात नहीं झलकती है। माने फर्स्ट इंप्रेशन के कई लोगों का कई व्यक्तियों का इतना मजबूत नहीं बनता। मान लीजिए हम वाहन की बात कर रहे हैं तो वो अगर मान लीजिए चौथे से चौथा इतना स्ट्रांग ना होता तो वाहन के केस में जो इमेज जाती है कहते भी वो लाइट ही है, ठीक ठाक है वाहन को लेकर, इतना कोई बली तो नहीं है, इतना ऐश्वर्यशाली तो नहीं, ऐश्वर्यवान तो नहीं है। लेकिन अगर चतुर्थ भाव किससे आगे, चतुर्थ यानी सप्तम भाव भावत भावम संबंध बना रहा है तो इमेज बढ़िया प्रोजेक्ट हो गई, ठीक हो गया, मिरर इमेज बढ़िया जा रही है। और फिर ऐसा है भी क्योंकि भाई चौथे भाव का स्वामी कौन है, शनि। शनि लाइक स्वराशि जैसा संबंध बना रहा है, अपने घर में जैसा बैठा हुआ है, तो ये बहुत बढ़िया हो गया ये। और फिर इसमें ये चीज भी, वो सभी भावों के लिए देखना है, अभी तो कारक भी क्योंकि वाहन के लिए शुक्र ही होता है तो शुक्र महाराज स्वयं वहां बैठे हैं, तो ये और भी बढ़िया हो गया कि जो भावक भावम है इससे चतुर्थ का स्वामी स्वयं शुक्र है जो उस भाव में बैठकर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को कंज्वाइन कर रहा है। तो इमेज मतलब वाहन दिखता है ऐसा नहीं, वाहन वास्तविकता में है और ये केवल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा, ये बात तुरंत फैल जाएगी। अब कई लोगों को ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि मेरे वाहन है दिखना चाहिए, कई लोगों को ये थोड़ा संकोच लगता है भाई ठीक है। तो भगवान ने सबको अलग अलग प्रवृत्ति दी, हम इसमें जैसे कई दवा बोलते हैं कि सर ये प्लैनेट अच्छा है कौन सा बुरा है ये बताइए, कि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, हम किसी प्लैनेट को ऐसा डिक्लेयर कर दें बिना, हम कहां मंद बुद्धि है और डिक्लेयर कर दें भाई राहु अच्छा होता है राहु खराब होता है, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। आप कुछ लग्न के लिए फंक्शनल मैलेफिक निकालते हैं लेकिन हम ऐसा कह दें मेरे लिए राहु खराब है आपके लिए अच्छा है, वो थोड़ा सा उसको केवल अलाइन करना है, समझना है बस, ठीक हो गया। राहु का अपना भाई राहु का अपना स्वभाव है, उसको यूज करना आना चाहिए भाई, वो एक डिप्लोमेट है, वो बात को करना जानता है, जिव्या में दिति नंदनन ऐसे बोलते हैं ना, जब नवग्रह कवच पढ़ते हैं तो आपने ये शायद सुना होगा नवग्रह कवच, उसके कुछ कुछ एक लाइने हैं कि शिरो में पातु मारतंड कपालम रोहिणी पतिम, ठीक हो गया, शिरो में पातु मारतंड, मारतंड यानी भगवान सूर्य को, तो ये हमारा जो शुरुआत का हिस्सा है ये सब हमारा पर्सनालिटी फर्स्ट या हमारा जो आत्म संबंध है, शिरो में पातु मारतंड सूर्य, शिरो में पातु मारतंड, उसके बाद फिर रोहिणीपति यानी हम चंद्रमा के साथ हमारा मन हमारा माइंड के साथ जोड़ कर देते, शिरो में पातु मारतंड कपालम रोहिणीपति मुख मंगारकम पातु कंठम च शशि नंदनम, ठीक हो गया, मुख मंगार, तो ये एक प्रकार का जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट पराक्रम इनिशिएटिव जो हमारा है वो मंगल, मुख मंगार कंपातु कंठम च शशिनंदनम, बोलने में बहुत माहिर है शशिनंदन यानी कौन, बुद्ध, कंठम च शशिनंदनम बुद्ध जीवे सदा पातु, बुद्ध जीवी यानी हम बृहस्पति को बोलते हैं, वो बुद्धि के लिए देखा जाता है हमारा, या कह सकते हैं हमारे विजडम के लिए देखा जाता है, बुद्ध जीवे सदा पातु हृदय रघुनंदनम, ठीक हो गया, हृदय रघुनंदनम, चौथे भाव के साथ हम रघुनंदन यानी शुक्र को जोड़ते हैं तो इनको यही स्थापित किया गया, ठीक हो गया, पाद केतु, और उसके बाद जठरम से शनि पातु, जठरम यानी कहीं ना कहीं हम जठर के साथ जठराग्नि के साथ शनि महाराज को जोड़कर देखते हैं, ठीक हो गया,
जठरम च शनि पातु जिव्या में अभिनंदनम। जिव्या यानी जो हमारी बातों को बहुत बढ़िया से कि सामने व्यक्ति के सामने कितना बोलना है सही कितना नहीं बोलना है, ये जो डिप्लोमेट टॉक कराने में एक्सपर्ट प्लैनेट है वो राहु है। तो ये हम नवग्रह कवच में ऐसा पढ़ते हैं, वो आप लोग भी ऐसा शायद पढ़ा होगा आपने। तो इस प्रकार से कोई ग्रह अच्छा बुरा कभी कभी समझाने के लिए हमने कुछ उदाहरण देकर कुछ बोल दिया अलग विषय, लेकिन अपनी बुद्धि से विचार निकाल दीजिए कि ये मेरे लिए बुरा करने वाला, वो थोड़ी कुछ बुरा करने वाला, हमारा कर्म फल ये जो बुरा या अच्छा ऐसा एहसास कर रहा था। तो कारक ग्रह आपको पता है, जैसे मान लीजिए अभी दूसरे भाव का भावत भाव हम देख रहे हैं, तो बृहस्पति स्वयं दूसरे भाव का धन का या गोल्ड का ज्वेलरी का ठीक हो गया सोने के लिए स्वर्ण के लिए कारक ग्रह है बृहस्पति, तो बृहस्पति स्वयं अभी धनेश होकर उच्च का हो गया तो बढ़िया हो गया वो ठीक है। भावेश का आभासी प्रतिबिंब भाव में जाना भ्रमित कर सकता, अभी ये बात समझने वाली है कि भावेश है कोई, जैसे हम बोलते हैं भावत भवन में दूसरे भाव का भावत भवन क्या है तीसरा भाव, तो दूसरे भाव का स्वामी तीसरे में चला गया बहुत बढ़िया है, अभी ये भ्रमित कर सकता है जब तक वो संबंध माने भाव जब तक बली ना हो तब तक केवल भावत भावम बली हो जाए तो ये हमें ऐसा लग रहा है अच्छा है लेकिन वो वास्तविकता में अच्छा नहीं है, वो केवल इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ठीक हो गया। तो ये बात अच्छे से समझना है कि भावत भावम केवल भावत भावम बल रखने पर और भाव बल क्षीण होने पर हमें वैसे गुड रिजल्ट नहीं मिलते जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो केवल ये कह देना भाई चौथे का स्वामी अपने से चौथे होके बैठा है ये बात पूरी तरह करेक्ट नहीं मानी जा सकती। अब मां के लिए देख रहे हैं तो हम चंद्रमा को भी देखते हैं, वाहन के लिए देख रहे हैं शुक्र कारक को भी देखते हैं, और फिर हम ये भी देखते हैं चौथे भाव का अपना बल क्या है। चौथे भाव का स्वामी तो भी सातवें में चला गया, जैसे इस केस में क्या है चौथे भाव का स्वामी चला तो गया सातवें में, लेकिन ये दोनों मित्र हैं दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भाई आप इसको टेक केयर करना तो बहुत बढ़िया हो गया। तो ये वाला वाक्य थोड़ा अच्छे से समझना है, केवल ये कहने से बात नहीं बनेगी कि भाई दूसरे का स्वामी तीसरे में चला गया भावत भवम बढ़िया हो गया, ये भ्रमित करने वाला वाक्य है। वास्तविक भाव और आभासीय भाव दोनों भाव मजबूत होने पर दिखता भी है और होता भी है, मतलब जो वास्तविक भाव है वो भी बली और उसका भाव भवम बल लेकर भी बली, तो दिख भी रहा है ऐसा प्रोजेक्ट जो हम कर रहे और है भी ऐसा। तो अभी आप समझ रहे अभी इसमें देखिए, लेकिन मैं ये भी जरूर प्लस करना चाहूंगा आप निराश होने की जरूरत नहीं है, कई लोग वो दिख भी नहीं पाते, तो अगर किसी का केवल किसी पर्टिकुलर केस में सारे बल है उसके पास बट पर्टिकुलर किसी एक हाउस को लेकर ऐसा लग रहा है केवल भावत भावम का ही बल है उसके पास, तो एटलीस्ट दिख तो रहा है समाज में, ये भी बहुत बड़ी बात है, दिख तो रहा है धनाढ्य परिवार है वो अलग बात है कि वो हमारा इंटरनल मैटर है वो, हालांकि मैंने बोला ना लग्न से यदि वो है तो पड़ोसी वगैरह सब जान जाते हैं ठीक हो गया, लग्न जो भी हमें थोड़ा बहुत जानता है वो हमारी इमेज बता ही देता है, लेकिन जो ऐसा पहले अटेम्प्ट में हम जो ऐसा क्रिएट कर लेते हैं अपनी इमेज कि भाई ये तो बड़े धनाढ्य हैं, वो तभी होता है जब हमारा भावत भावम बल भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बल लिए हुए ठीक है। और फिर बात करते हैं चतुर, हमें एक मतलब एक एग्जाम्पल लेकर भाई लिखा था चतुर्थ भाव कुंभ राशि का स्वामी होकर शनि सप्तम में बैठकर चतुर्थ को दृष्ट करता है, वास्तविकता और आभासीय बल को बढ़ाता है, मतलब ऑलरेडी हमने जिसके बारे में डिस्कस किया वो पॉइंट यहां लिखा हुआ था। इसी प्रकार के कुछ एक प्लैनेट अगर हम देखें अच्छे से तो देखिए लग्न से ये बुध बैठा है, बुध जो है वो यहां, हालांकि मैंने बोला लग्न का कोई भावत भाव नहीं है, अभी वो किस प्रकार से उसको समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए छठा भाव ठीक हो गया, मैंने बताया छठा भाव किसी का भावत भावम नहीं है लेकिन इसका अपना तो भावत भावम है, यहां से छह से छह आगे गिनेंगे एक दो तीन चार पांच छह, तो इसका स्वामी जो है वो चला गया छह से छह। अभी हम माने हमारे जो लिटिगेशन हैंडल की बात करें तो ये मतलब इसके लिए तो मजबूती दिखनी भी चाहिए ना, पता लगा आप हैं बहुत बली मानता कोई नहीं तो फिर ये लिटिगेशन तो कमजोर हो जाएगा, मतलब
सामने वाले को परास्त करने का जो गुण है वो तो कहीं ना कहीं हमें वो उसका तो दिखावा भी करना चाहिए। तो ये अभी यहां बैठा हुआ है, अभी क्या वास्तविकता में भी कुछ मिलने वाला है कि खाली दिखेगा ही दिखेगा। तो देखिए जो मैं बात यहां बताना चाह रहा था, मंगल बुद्ध के घर में बैठा हुआ और बुद्ध और मंगल का परिवर्तन भी है, माने एक प्रकार से वो एक अतिरिक्त बल लिए मंगल, क्योंकि लग्नेश है ना, सिर्फ वो छठे भाव का स्वामी, वो लग्नेश होकर परिवर्तन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसने संबंध बना लिया और स्वराशि होकर बैठ गया वहां पर। आप जानते ग्यारहवें भाव में वैसे भी कोई भी प्लैनेट इच्छा पूर्ति की दृष्टि से अच्छा फल देने वाला हो, तो और अब स्वराशि जैसा बनकर लग्नेश स्वयं बैठ गया तो कह रहा भाई लिटिगेशन से कमाल का फायदा होगा, और वो केवल सामने वाले शत्रु को भयभीत दिखने वाला नहीं होगा, वो करने वाला ही, मतलब सच में वास्तविकता में उसके पास बल होगा, परिवर्तन का फायदा मिल गया। ऐसा आप यहां भी समझने का प्रयास करते हैं। पंचम भाव फैमिली प्रेस्टीज और फैन फॉलोइंग, हमारी संतान, हमारा स्पेकुलेशन, हमारा स्टमक, हमारा डाइजेशन, लीवर वाला पार्ट, तो इसका देखते हैं पंचम से पंचम, पांच से पांच, एक दो तीन चार पांच, तो बृहस्पति अपने से पंचम होकर बैठे हुए हैं। ठीक हो गया, तो ये वर्चुअल माने हमारी जो मिरर इमेज है वो तो प्रोजेक्ट होगी बढ़िया, हमारा चाहे हमारे स्पेकुलेशन को लेकर रहे, चाहे हमारी संतानों को लेकर रहे। अब बात कर लेते हैं कि वास्तविकता में ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ये उच्च का होकर बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, बृहस्पति यहां उच्च का है और दोनों में ग्रह परिवर्तन हो गया, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। आप जानते हैं वो हमारा मुख्य सूत्र भी बोलता है कि 159 का संबंध, 159 का एक्सचेंज बहुत ही बढ़िया, मतलब ये बड़ा मतलब भाग्यशाली अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, हम प्रोजेक्ट भी कर पा रहे हैं उस इमेज को वहां पर। ठीक हो गया, तो पर ये है फिर नवम, नवे भाव का भावद्भवम, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद, फायदे का पांच और नौ वाला जो पार्ट है भावद्भवम सबसे ज्यादा फायदा देने वाला है। ये यहां बैठ गया, ये यहां बैठ गया, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आनंद आ गया। तो हम जो हमारा चाहे मंत्र जप का फल हो, हमारा भाग्य हो, हमारा पिता संबंध हो, बहुत ज्यादा उच्च स्तर पर चला गया अभी। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। और ये दसवें भाव में, हालांकि सूर्य स्वयं अपने भाव में जाकर बैठा हुआ है, दसवें का वैसे भावद्भवम कौन सा है, तो दसवें का भावद्भवम ये है। ठीक हो गया, और यानी सातवां, अभी इसका स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र इनडायरेक्टली भी दसवें भाव को देख रहा है। ठीक हो गया, तो ये भी लाभ अपने को मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हम अपने स्टेटस को तुरंत में नहीं दिखा पाएंगे, ये पूरा बल अपने को मिल रहा है। शुक्र जो टेंथ से टेंथ का लॉर्ड है वो फोर्थ से प्रभावित कर रहा है। ठीक हो गया, माने ये जिसको बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। हम बोलते हैं कि कई दफा हमारा प्रश्न रहता है कि सर फिर वो किस काम का है वो कंसेप्ट, देखिए मूल चीज तो यही है कि हमें कुंडली का अवलोकन, जो मुख्य सिद्धांत है वो करना आना चाहिए। जब हम मुख्य सिद्धांत से सीखने लग जाते हैं तब हम उसमें कुछ और एड ऑन भी करना चाहते हैं, कुछ और नए बिंदु जोड़ना चाहते हैं। तो जब आपको वो देखना अच्छे से आ गया तभी आप इस चैप्टर को पढ़ें, तब आपको और बढ़िया और निखार मिलेगा। वो बोलते हैं एक लाइन हमने खींची थी वो एकदम क्लियर खींचना आप अपने को आ गया, पहले हम टेढ़ी मेढ़ी खींचते थे। तो हम हमारी जो एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की क्लासेस जिसने पढ़ी होंगी उसने अभी लाइनें खींचना सीख लिया, ये बड़ी बात। अब उनको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना लाइन सीधी खींचना लग जाएंगे बिना स्केल के। तो ये भावद्भवम उसमें, और मतलब आप समझ रहे दशम का अपने से दशम है सप्तम, तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंध बनता है, तो हमारा मिरर इमेज और रियल इमेज में बहुत करीबी संबंध हो जाएगा। ठीक हो गया, इसी प्रकार से ये ग्यारहवां भाव है, ग्यारहवें भाव का भावद्भवम, यहां से गिने तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह। ठीक हो गया, यहां पर बृहस्पति महाराज उच्च के होके बैठे हुए हैं, तो जो इनकी आय को लेकर संबंध है वो बढ़िया है, आय रूटीन इनकम जिसको बोलते हैं, हमारी रूटीन इनकम का प्रोजेक्शन जो है वो बृहस्पति उस हाउस को बहुत हेल्थी है,
उसका ना सिर्फ इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, उसका रिजल्टेंट भी, माने चंद्रमा और बृहस्पति, बृहस्पति कौन है, त्वरित प्रभाव देने वाला नवम भाव को, ठीक हो गया। तो इस प्रकार भी हम विचार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये एड ऑन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब, जैसे मैं उन कमेंट्स का भी जवाब देना चाह रहा हूं, कई दफा ऐसे कमेंट आते हैं जिनमें हम, क्योंकि वो बहुत लंबा उसका उत्तर है, हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि जो हमारा बिल्डिंग की नींव है, एस्ट्रोलॉजी की नींव है, वो तो उन्हीं सूत्रों पर रखी जा चुकी है जो हमने शुरुआत में डिस्कस करे थे। लेकिन आप जितना बढ़िया भवन बनाएंगे, उसको जितना फाइन ट्यून करेंगे, उतना ही आनंद आएगा। फिर आप देखेंगे बहुत बड़ा महल आपने खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आप बार बार कहें कि नहीं सर इसको क्या हम फिर क्या करें, इसको इसको ऐड कीजिए ना, आप इसको ऐड कीजिए और धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम और भी कई चीजें समझाएंगे, तो समझिए फिर आपको वो। तो देखिए ईश्वर देना चाहेगा तो जरूर ऐसी बुद्धि ऐसी मति दे देगा कि आप बढ़िया फलित कर पाएंगे। अगर हमारा ईश्वर के साथ ही कोई विरोध है, ईश्वर माने प्रकृति के साथ कोई विरोध है, हमने छल किया है प्रकृति के साथ, आप कितना ही पढ़ लीजिए वो सही समय पर सही विचार आने ही नहीं देगा। जैसे बोलते हैं ना भाई, ये एक प्रकार से वेद का नेत्र है, तो वेद को अपौरुषेय बोलते हैं। अब कई लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि भाई जो किसी किसी व्यक्ति की रचना ना हो, लेकिन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भाई, वेद बिना उसके अपना अर्थ किसी को दे नहीं सकता है, बिना समर्पण के वो अपना अर्थ देगा नहीं, उसको जीता नहीं जा सकता है कि कोई दम हो किसी को, अहंकार में तो अभी जीत लूंगा वेद के अर्थ को समझ लूंगा, ऐसा नहीं। विनम्र हो, चाहे कितना बुद्धिमान हो, उसको गुरु आश्रम में जाकर सेवा करनी पड़ती है। राजा, बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं के बच्चे जब गुरु आश्रम में जाकर विनम्र होकर अपने अहम को खत्म कर देते हैं, त्याग देते हैं। कई बार तो ऐसी ऐसी कथाएं आपने शायद पढ़ी होंगी कि गुरु ने परीक्षा ली कि भाई मेरे खेत की मेड़ टूट गई है तो जाओ तुम देख कर आओ। तो गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए वो मेड़ टूट गई, तो शिष्य उस मेड़ पे ही लेट गए। गुरु इतने प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा बिना शास्त्रों के पढ़े ही आपको सारा शास्त्रीय ज्ञान अपनी बुद्धि में स्वतः आ जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे साधनाएं करनी पड़ती हैं, ये अपने को पता होता है कि अपने साधना किए कि नहीं किए, ठीक हो गया। तो डिग्री सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, और हमारा जो, हालांकि डिग्री सर्टिफिकेशन भी एक साधना का ही विषय है, ऐसे तो किसी को मिलता नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला हम एस्ट्रोलॉजी में भी पांचवें भाव के साथ साथ चौथे भाव को भी रिलेट करते हैं, ये हमारा सर्टिफिकेशन है, लेकिन ये हमारी वास्तविक एबिलिटी है, हमारा हृदय है। तो जितना ज्यादा निर्मल हृदय है उतना ही ज्यादा हमारी वास्तविक एजुकेशनल एबिलिटी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगवपराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।